नमस्कार, आप देख रहे हैं देश का बढ़ता एपी न्यूज चैनल। आइए देखते हैं हाथरस की खबर। आपको बता दें, हाथरस में 10 जुलाई को लोक अदालत का आयोजन उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के आदेश पर किया जा रहा है। लोक अदालत में 15,000 से अधिक मामलों का निस्तारण किया जाएगा। जिला सचिव चेतना सिंह ने बताया कि जनपद न्यायाधीश सुनील कुमार सिंह प्रथम के निर्देश पर 10 जुलाई को सुबह 10 बजे से लोक अदालत का आयोजन जनपद न्यायालय कलेक्ट्रेट के साथ सभी तहसील न्यायालय तहसीलों में इसका आयोजन किया जाएगा। उन्होंने बताया कि लोक अदालत का फैसला ही अंतिम फैसला माना जाता है, इसके बाद उस मामले की अपील किसी जगह नहीं की जा सकती है। ये लोक अदालत एक राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है 10 जुलाई 2021 को, और माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय श्री सुनील कुमार सिंह फर्स्ट के निर्देशन में इसका आयोजन किया जा रहा है जनपद हाथरस में। और ये वादों के निस्तारण सिविल प्रकार के बाद भी सुने जाएंगे। क्रिमिनल में जो कंपाउंडेबल ऑफेंसेज हैं उनका प्री लिटिगेशन वाले बात जो हैं वही सब मामलों का निस्तारण इसमें होगा। तो कुल कितनी जगह लोक अदालत लगने वाली है? लगभग 10 से 12 जगह लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। तहसील स्तर पर हो रहा है, जनपद न्यायालय में हो रहा है, MACT में हो रहा है, और बैंकों में हो रहा है, आदि काफ़ी विभिन्न जगहों पर इसका आयोजन किया जाता है। अब तक प्रचार प्रसार के लिए भी इसके लिए कोई व्यवस्था बनाई गई होगी लोगों के पास सूचना पहुंचाने के लिए? इसके लिए हमने प्रचार प्रसार के बहुत भव्य स्तर पर हमने इसकी तैयारियाँ की हैं, और इसमें हमने पैम्फलेट्स जगह जगह बंटवाए हैं, और तहसील स्तर पर मीटिंग्स वगैरह ली हैं सभी डिपार्टमेंट्स की, और इसके बारे में सूचना दी है, लाउड स्पीकर के माध्यम से मुनादी कराई है, और SMS से भी इसमें व्हाट्सएप में SMS भेजे हैं। YouTube और Twitter पर भी इसकी सूचना Facebook वगैरह के माध्यम से भी लोगों तक पहुँचाएँ। तो आमजन को इसका सबसे बड़ा लाभ क्या है? सबसे बड़ा लाभ इसमें यही है कि इसमें पहले तो इसमें दोनों ही पक्ष विजयी होते हैं, और इसमें धन की भी इसमें बचत होती है, पक्षकार के समय की भी बचत होती है, और कोर्ट में अदा की गई जो कोर्ट फीस होती है वो पक्षकारों को वापस की जाती है।